यहाँ से ये खुलता है ये यहाँ से ऐसे पकड़ना है ठीक है। ये पकड़ने के बाद ये टाइटली इसमें डालना है, फिक्स हो जाएगी ठीक है। ये बंद हो गया। ये नंबर है कि जो नीडल है वो किस प्रेशर से अंदर जाके इंजेक्ट होगा। 5 होता है सबसे हार्ड, 4 है, 3 है। बच्चों में आप 3 और 4 सेट कर सकते हो। ये यहाँ से ये भी रोटेट होता है ठीक है। अब आप देख सकते हो ये इसका बटन है, ये अभी ना लॉक्ड है, अब इसको अनलॉक करना है। पीछे से आप खींचोगे ऊपर हो जाएगा, ऊपर हो गया ठीक है। ये प्रेस करोगे नीडल बाहर आ गया, फिर प्रेस करोगे पीछे आ जाएगा। ये अपना फैन है। अब बैठ जाओ सर, ले ले मशीन है। इसकी जो टेक्नोलॉजी है वो पेटेंट टेक्नोलॉजी है कंपनी की ठीक है। ये लगभग अभी तक सभी ब्लड बैंक में यूज़ हो रहा है। इंडिया में 80% ब्लड बैंक में यही मशीन यूज़ हो रही है। जैसे कोई डोनेट करने जाता है, ब्लड डोनेट करने जाता है, सबसे पहले हीमोग्लोबिन उसका हम लोग चेक करते हैं ठीक है। तो HB इस मशीन पे ब्लड बैंक में यूज़ हो रहा है। इसके अलावा अपने जितने सिविल हॉस्पिटल है वहाँ पर यूज़ हो रहा है एनीमिया स्क्रीनिंग को लेकर ठीक है। और बड़े बड़े कॉर्पोरेट हॉस्पिटल्स में भी यूज़ हो रहा है, जैसे अपने मैक्स हो गया, फोर्टीज़ हो गया, इन सभी कॉर्पोरेट हॉस्पिटल्स में ये वाली मशीन यूज़ हो रही है। इवन अभी लेटेस्ट में नासा ने भी ये मशीन प्रिप्योर करी है HP टेस्टिंग के लिए। जो अपनी ये मशीन है वो पोर्टेबल इंस्ट्रूमेंट है। पोर्टेबल इसलिए बोलते हैं, जैसे मान के चलो अभी यहाँ पे पावर पॉइंट का प्रॉब्लम थी, यहाँ पे पावर पॉइंट था नहीं। ऐसे स्कूलों में कई बार क्या होगा, आप टेस्ट लगा रहे होगे तो आपके पास अडेप्टर लगाने के लिए पावर पॉइंट होगा नहीं। तो इसमें क्या है कि आप इसको बैटरी के ऊपर भी यूज़ कर सकते हो। इसमें बैटरी जलती हैं, यहाँ पे 4 बैटरी डलेंगी ठीक है। जो घड़ी में सेल डलता है डबल ए साइज़ का, वो सेल इसमें डलेंगे। ये डालने के बाद इसको आप बगैर अडेप्टर के भी ऑपरेट कर सकते हो ठीक है। इसमें अडेप्टर के बिना ऑपरेट हो सकता है। दूसरी चीज़ ये है कि जो बैटरी आप घड़ी वाली डालोगे, अगर रेगुलर यूज़ हो रहा है तो कम से कम 4 से 5 महीने आपका चल जाएगा। और दूसरी एक चार्जिंग वाले सेल आते हैं, जैसे कैमरे में ना चार्जिंग, किसी भी तरह का हार्डवेयर कभी भी सर्विस की जरूरत नहीं पड़ती। ये मशीन फैक्ट्री कैलिब्रेटेड है। फैक्ट्री कैलिब्रेशन का मतलब ये है, एक बार ये फैक्ट्री से कैलिब्रेट होने के बाद जब अपने पास पहुंचेगी, उसके बाद कभी भी इस मशीन के अंदर किसी तरह की कैलिब्रेशन फैक्टर चेंज करने की जरूरत नहीं है। जैसे आमतौर पर लैब में क्या होता है कि लेबोरेटरी में हेमाटोलॉजी एनालाइजर होता है, उसमें क्या होता है पूरे 21-22 पैरामीटर आते हैं, WBC, RBC, हीमोग्लोबिन, प्लेटलेट्स ठीक है। तो उस मशीन को 4 महीने में 6 महीने में सर्विस की जरूरत पड़ती है। अंदर मैकेनिकल पार्ट होता है जो मूव कर रहा होता है, मोड़ सकते हो 0 से लेके 25.6 ग्राम पर डेसीलीटर, ये इसकी मेजरिंग रेंज है। 25.6 ग्राम पर डेसीलीटर तक THP आपको डिटेक्ट करके देगा। इस तरह का मतलब आपको कभी भी कोई एरर, अगर मशीन में कोई भी दिक्कत आएगी तो यहाँ पे मशीन एरर कोड शो करती है। वो एरर कोड डिफाइंड होता है पर्टिकुलर प्रॉब्लम के लिए। जैसे इसमें कभी इन फ्यूचर एक एरर आएगा, आप नोट कर लो, E02 एरर इज फॉर द क्लीनिंग पर्पस। E02 एरर जब मशीन के ऊपर आएगा उस समय हमें इस मशीन के, ये इसको बोलते हैं हम क्यूवेट होल्डर, CUE हेमोक्यू HB301 एनालाइजर, HEMOCUE हेमोक्यू HB301 एनालाइजर। जैसे अभी ग्लूकोमीटर आप लोगों ने यूज़ किया होगा, उसमें आपने बस फिंगर प्रेस पकड़ के नीडल लगाई होगी, प्रिक किया होगा, पंच किया होगा ठीक है। इसमें क्या है कि बच्चों का हमने करना है ठीक है, तो बच्चों का करना है। उस केस में क्या होता है कि बच्चे एकदम से कराएंगे नहीं, वो पहले इसे देख के भागेंगे, हाथ छुड़ाएंगे। तो आपने कैसे हैंडल करना है वो मैं आपको बताता हूँ कि सैंपल प्रॉपर कैसे लेना है ठीक है। रिंग फिंगर ठीक है, चाहे इस हाथ से यूज़ करो चाहे इस हाथ से यूज़ करो, आप ये आप नोट कर लो कि हमेशा रिंग फिंगर का यूज़ करना है सैंपल लेने के लिए ठीक है। इसमें एक स्टेप और नोट करना है, अगर किसी ने रिंग फिंगर में रिंग डाल रखी है तो उस फिंगर से सैंपल नहीं लेना ठीक है। फिर आपने
दूसरे फिंगर का यूज़ करना है, इस हाथ का यूज़ करना है, इसमें रिंग फिंगर का यूज़ करना है। अगर इसमें भी किसी ने रिंग डाल रखी है तो आपने साइड वाली फिंगर का यूज़ करना है। इसमें भी रिंग है तो इस हैंड का यूज़ करो। रिंग निकलवा के नहीं करना है, क्योंकि अगर रिंग आपने निकलवा लिया, रिंग आपने बहुत टाइम से डाली हुई थी, उसमें टिश्यू दबे होते हैं, जो ब्लड का सर्कुलेशन होता है प्रॉपर नहीं होता उस फिंगर के अंदर। तो आपने रिंग फिंगर से ही सैंपल लेना, और रिंग डाल रखा है उसे सैंपल नहीं लेना। फिर आपने सेकंड फिंगर का यूज़ करना है, या आप किस हैंड का यूज़ कर सकते हो। इसमें आप सेकंड फिंगर का या इस पे ही नीडल लगा रहे थे, पेन लगा रहे थे। अगर हम सेंटर की जगह पे थोड़ा सा साइड में आएंगे, साइड का मतलब ये नहीं है कि हम साइड में ही आएंगे, सेंटर और साइड का जो बीच का हिस्सा है, यहाँ पे इस पॉइंट पे, यहाँ पे हमने नीडल लगाना है। इस जगह पे जो ब्लड होता है ना, नीडल लगाते एकदम आता है सेंटर के मुकाबले, तो सेंटर की जगह पे हल्का सा साइड में आना, पूरा साइड नहीं आना, सेंटर और साइड का जो हिस्सा यहाँ पे आपने नीडल लगाना है, ठीक है। और उसमें क्या करना है, जैसे अभी ये लोड हो चुका है, ठीक है, अभी हमने बच्चों का करना है। अगर जब भी आपने ऐसे तो होल्ड कर लिया आपने इस तरीके से, जो मैंने आपको बताया था, ठीक है, लेकिन क्या होगा कि जब भी आपने पैन पकड़ा, बच्चे हाथ खींचेंगे, अगर आपने यहाँ पैन पे ट्रिगर पे हाथ रखा हुआ है और यहाँ लगाने से पहले ही आपका प्रेस हो सकता है, तो आपने ये करना है कि इस पे नीडल पे हाथ बाद में रखना है, पहले पैन को टाइटली पकड़ना है, इस पैन को टाइटली पकड़ना है। उसके बाद जब आपने यहाँ पे इसको सेट कर दिया, दबा दिया, ये पूरा कवर होना चाहिए, जैसे आपको दिख रहा है ना, ये जो हॉल दिख रहा है आपको, ये पूरा ऐसे ही उस पर कवर होना चाहिए, चाहे ऊपर की तरफ से आप ऐसे लगाओगे। टेढ़े में क्या होता है, कई बार होता नहीं है कवर, आप ऊपर की तरफ से लगाओगे ऐसे, उसके बाद इस पे हाथ रख के इस ट्रिगर को आपने प्रेस करना है, ठीक है। ये जो ऐसे पकड़ा हुआ था उसको टाइटली ही पकड़ के रखना है, उसको आपने लूज नहीं करना है, बिना नहीं छोड़ना है, ठीक है। जैसे आपने नीडल लगाया, नीडल लगाने के बाद हल्का सा ये दो उंगलियों में प्रेस रख के ऐसे दबाना है, फिर ब्लड ऊपर से एकदम से फ्लो बनेगा। जब वो ड्रॉप बन जाएगा फर्स्ट ड्रॉप, उसके बाद टोटल लेके फर्स्ट ड्रॉप को वाइप कर देना है, उसको सैंपल के तौर पे नहीं कंसीडर करना है, फर्स्ट ड्रॉप को हमने वाइप कर देना है। उसमें टिश्यू होता है फर्स्ट ड्रॉप में, इसलिए हमने उसको वाइप कर देना है। वाइप करने के बाद जो हमारा सेकेंड ड्रॉप होगा, वैसे तो थर्ड ड्रॉप होता है क्यूरेट, पर बच्चों में आप सेकेंड कंसीडर कर सकते हो, कई बार ब्लड आता भी नहीं है, ठीक है। तो जब फर्स्ट ड्रॉप को आपने वाइप कर दिया, जो सेकेंड ड्रॉप है, सेकेंड ड्रॉप को आपने हल्का सा बड़ा बनाना है। बड़ा क्यों बनाना है, ये हमारी माइक्रो क्यूवेट की बोतल है, उसमें स्ट्रिप्स लगती है, इसमें क्यूवेट लगता है। ये ऐसी चार बोतल आएंगी एक किट के अंदर, चार बोतल होंगी, एक बोतल में 50 क्यूवेट होंगी, इस तरह की 50 क्यूवेट होगी एक बोतल में, उसको बोलते हैं क्यूवेट, ठीक है। ये प्लास्टिक है, ये क्यूवेट बोलते हैं इसको, ठीक है। इसमें क्या होगा, ये आप इसका जो कोना देख रहे हो, ये जो नोक बना हुआ है इसका, हाँ ये सिंगल यूज है, एक सैंपल पे एक यूज होगा। एक बार इसमें ब्लड अंदर गया फिर वो बाहर नहीं आएगा, वो मेजरमेंट लेने के बाद आपको इसको डस्टबिन में डालना है, ठीक है। तो इसमें सैंपल एंटर कैसे करता है, ये जो आप कॉर्नर देख रहे हो, बिल्कुल कॉर्नर, यहाँ से सैंपल एंटर करता है, ब्लड कैपिलरी है इसमें, एंटर करेगा। इसमें जो राउंड शेप है ये पूरा फिल होगा, ठीक है। उसके बाद इसकी जो ऊपर की ये वॉल है ये फिल होगी। ड्रॉप डालनी है वो कैसे डालनी है, ड्रॉप नहीं डालना, फिंगर आपने ऐसे ड्रिंक किया, इसको ड्रॉप ऑफ ब्लड के कॉन्टेक्ट में लाना है, ऐसे टच कराना है, सिर्फ ऊपर से टच कराना है, इसका जो ये कॉर्नर है ना ये टच होगा, बाकी कुछ टच नहीं कराना है। और हमेशा ये कोशिश रखें कि क्यूवेट को आपने यहाँ से ऐसे पकड़ना है, इस तरीके से पकड़ना है, यहाँ से आपने टच नहीं करना क्यूवेट को, यहाँ से सैंपल एंटर करेगा, ठीक है। तो हमेशा कोशिश ये रखें कि इसको यहाँ से पकड़ें, और जो ड्रॉप होगा आपका वो ड्रॉप के कॉन्टेक्ट में इसको ऐसे रखना है, बिल्कुल बीच में लाना है, जो ड्रॉप बनेगा हल्का सा बड़ा वो बीच में रखना है। ड्रॉप बड़ा इसलिए बनाना है कि हमारी जो क्यूबेट है ये पहले कॉन्टैक्ट में ही पूरी फिल होनी चाहिए। अगर पहली कॉन्टैक्ट में फिल नहीं हो रहा है, आप ऐसे से दबा रहे हो, फिर उसको ऐसे से करके भर रहे हो, फिर उसमें भी रिजल्ट वेरिएशन आएगा, एच बी ज़्यादा दिखाएगी मशीन, ठीक है। तो आपके पास पूरा टाइम होगा, सबसे पहले तो आपके हाथ में एक क्यूबेट होनी चाहिए, फर्स्ट ड्रॉप को आपने वाइप किया ऐसे पकड़ के, सेकेंड ड्रॉप को लेने से पहले क्यूबेट आपने इसमें से निकाल के रखना है। अगर आपने सेकंड ड्रॉप बड़ा बना लिया, क्यूबेट निकाल रहे हो, उसमें कई बार क्या होता है ड्रॉप नीचे ऐसे फ्लो करने लगता है, उंगली से नीचे आ जाएगा ब्लड, ठीक है। तो पहले सेकंड ड्रॉप को हल्का सा प्रेशर छोड़ना है, फर्स्ट ड्रॉप के बाद वाइप करते ऐसे पकड़ के ही रखना है। सेकेंड ड्रॉप निकलने से पहले बोतल में से क्यूबेट निकाल के फिर ऐसे प्रेस करना है, जैसे ड्रॉप बने
इसको ऐसे टच कराना है सिर्फ यहाँ से। जैसे आप टच कराओगे सेंटर में बिल्कुल ड्रॉप के सेंटर में, तो ये सारा इसमें आके अंदर फिल हो जाएगा। ठीक है, एक चीज़ का और ध्यान रखना है, जो हमारी ये बोतल है ये क्यूबिट हमेशा बोतल में रहनी चाहिए। अगर आपने बोतल में नहीं रखी, जैसे ये टेबल है यहाँ पे हमने ऐसे बाहर छोड़ दिया, आपको ऐसे नंगी आंखों से पता नहीं लगेगा, डस्ट के बिल्कुल बारीक बारीक पार्टिकल यहाँ से एंटर हो गए, अंदर यहाँ इकट्ठा होते रहते हैं, उस केस में भी एच पी ज़्यादा आएगा। ठीक है, तो जब भी टेस्ट लगाना हो तो बोतल के अंदर से ही क्यूबिट निकालनी है। अगर क्यूबिट बाहर पड़ी है कहीं भी तो वो एक्यूरेट रिपोर्ट नहीं देगी आपको। ठीक है, तो हमेशा बोतल में रखना है। आपने एक चीज़ करनी है, सैंपल यहाँ से एंटर हुआ था कॉर्नर से, इसके आउटर सरफेस पे ब्लड के कुछ पार्टिकल लगे रहेंगे, जो होल ब्लड है वो अंदर चला जाएगा, थोड़ा बहुत बाहर लगा रहेगा। वो फिर क्या होता है, यहाँ पे हमने क्यूबिट रखनी होती है, जो शेप बना हुआ है यहाँ रखना होता है, यहाँ के क्लोट होकर इकट्ठा होता रहेगा। तो ये चीज़ यहाँ के इकट्ठा ना हो, इसलिए जैसे ही आपने सैंपल लिया इसके इस कॉर्नर को यहाँ पे ऐसे टच कराना है, ऐसे वन टू, इससे ये होगा कि जो आउटर सरफेस पे एक्सेस ब्लड है वो कॉटन पे आ जाएगा और यहाँ आके क्लोट होके इकट्ठा नहीं होगा। ठीक है, और इसमें कई चीज़ें नहीं करनी है, कई लोग गलत प्रैक्टिस करते हैं, वो क्या करते हैं इसको ना पकड़ के ऐसे बंद करके ऐसे खींचते हैं, उसमें क्या होगा ब्लड सारा बाहर आ जाता है। आपने इसको सिर्फ कॉटन पे टच कराना है ऐसे वन टू, ये नहीं करना, ये ऐसे रख के ऐसे बंद करके खींच रहे हो, ये नहीं करना बिल्कुल भी। इससे क्या होगा सैंपल सारा बाहर आ जाएगा, सिर्फ इसको टच कराना है यहाँ पर ऐसे वन टू हल्के से। जैसे ही हमने सैंपल लिया था उसके 40 सेकंड के अंदर ही हमें रीडिंग लेनी है। ये हमारी ये इसको बोलते हैं क्यूबिट होल्डर, ये जो शेप आपको दिख रही है यहाँ पे इस क्यूबिट को हमने रखना होता है, ये हमने इस तरीके से यहाँ पे रखना होता है, ये हमने इसको रख दिया। ठीक है, ये रखने के बाद आपने जस्ट ये क्यूबिट होल्डर का यहाँ से पकड़ के इसको सिर्फ धक्का देना है, अंदर खुद जाना चाहिए इसको, आपने ये पकड़ के अंदर ऐसे छोड़ के नहीं आना, जोर से भी धक्का नहीं मारना, सिर्फ यहाँ क्यूबिट रखने के बाद इसको ऐसे प्रेस करना है, सिर्फ हल्के से खुद अंदर जाना चाहिए, जाएगा ये ऐसे, ये जैसे ही अंदर जाके ऐसे हिट करेगा यहाँ पे एक सेकंड में आपको मशीन के डिस्प्ले पे हीमोग्लोबिन आ जाएगा, और जो यहाँ पे हीमोग्लोबिन दिखाएगा सैंपल लगने के बाद वो तब तक ही डिस्प्ले पे आएगा जब तक ये क्यूबिट होल्डर अंदर है। जैसे ही आपने क्यूबिट होल्डर को बाहर लिया यहाँ से डिस्प्ले से चला जाएगा। ठीक है, उस केस में आप एक काम कर सकते हो, नोट कर लो आप डायरी में या जो भी रजिस्टर है, जैसे जैसे आप टेस्ट लगा रहे हो रिजल्ट साथ साथ दिख रहे हो। ठीक है, अगर फिर भी गलती से कई बार जल्दी में भूल गए तो क्यूबिट को उठाए भी नहीं, एक बार फिर से आपने रोटेट कर देना है, यहाँ पे स्क्रीन पे डिस्प्ले पे आ जाएगा। फर्स्ट और सेकंड टाइम में रिपोर्ट सेम आएगी, थर्ड फोर्थ में आते थे 0.1 0.2 प्लस माइनस हो सकते हैं, जैसे किसी का 12.1 आया पहली बारी में, आपने फिर से रोटेट किया 12.1 आ जाएगा या 2 आ जाएगा, पर जैसे आप तीसरी बार चौथी बार जा रहे हो तो 12.4 हो सकता है 12.5 हो सकता है। तो फर्स्ट और सेकंड को हम एक्यूरेट मानते हैं, जो फर्स्ट है 100% एक्यूरेट। ठीक है, तो फिर इसको आप डस्टबिन में डालेंगे, इसी तरीके से अगला यूज़ करना है। ठीक है, ठीक है, ये जो ब्लैक बटन है रबड़ का, जैसे फोन में लॉक बटन है उसको लॉक प्रेस रख के ऑन हो जाता है ऑफ हो जाता है, वैसे इसमें है, इसको आपने प्रेस रखना है ऑन हो जाएगा। यहाँ पे जब तक 3 डॉट नहीं आएंगे तब तक मशीन रेडी नहीं है, 3 डॉट आते ही मशीन रेडी है, तो 3 डॉट आपको दिखेगा। ये 3 डॉट दिखे, ये आने के बाद मशीन रेडी है, तब आप सैंपल इस पर रन कर सकते हैं। ठीक है, ये 2 बोतल लेने हैं। ठीक है, फर्स्ट से क्या है कि या कोई अल्कोहल स्वैब होती है, ठीक है, वो यूज़ कर सकते हो। जैसे इस फिंगर से हमने सैंपल लेना है, ठीक है, अब ये 2 फिंगर हमने ऐसे क्लोज करा दिया और इस तरीके से पकड़ना है ये टाइटली, जब आप पकड़ोगे आपको पता रहेगा आपकी इन दोनों फिंगर में प्रेशर होना चाहिए, दबा रहना चाहिए, ज़्यादा जोर से भी नहीं दबाना है, मतलब आपको पता लगे कितना दबाना है उतना दबा कर रखना है, और ये प्रेशर तब तक नहीं छोड़ना जब तक फर्स्ट रो आपने लिया नहीं है, सेकेंड रो में हल्का छोड़ना है क्यूबिट उठाने के लिए। ठीक है, तो हमने इस तरीके से होल्ड किया ये कॉटन, यहाँ पे इनको मैंने पकड़ा दिया। ठीक है, उसके बाद ये हमारा पेन है,
ये हमने इस तरीके से यहाँ पे रखना है, आपको पता लगेगा कि नीडल बिल्कुल जैसे ये सेंटर में है ना नीडल, आपने ऐसे रखना है कि यहाँ पे प्रिक करे सेंटर और साइड के बीच में, ये यहाँ पे ये पूरा टाइटली पकड़ना है, पूरा ढका होना चाहिए। फिर आपने पेन को प्रेस करना है, ये हो गया प्रेस, ठीक है। ये हमने अभी ढीला छोड़ दिया, अब क्यों ढीले में हमने ये देखो ये सेकंड रो बन रहा है, ये हल्का सा बड़ा बनाना है बस, ज़्यादा नहीं। अब ये क्यूबेट को ऐसे पकड़ना है आपने, अब कोटन लगा लो, ये पूरा फिल हो गया है इसमें, ये देखो इसका कॉर्नर भी पूरा फिल हुआ है, राउंड शेप फिल हुआ है और अपर वॉल फिल हुई है, ये तीनों चीज़ें फिल होनी चाहिए पूरी, राउंड शेप, कॉर्नर और इसकी अपर वॉल ऐसे, ठीक है। उसके बाद ये कोटन था सेकेंड कोटन, इस पर हमने सिर्फ ऐसे ही कॉर्नर, बस फिर हमने ये मशीन है इस पे शेप बना हुआ है, कॉर्नर जो है लेफ्ट साइड में रहेगा, यहाँ पे रखने के बाद आप फर्स्ट टाइम यूज करोगे आपको देखो पहली बार पता नहीं होगा, तो आपने एक बार रीचेक करना है कि ये क्यूबेट अपनी शेप में फिट हो गया है कि नहीं, ऊपर की तरफ अगर है ये तो अंदर जाके फंस जाएगा, ये पूरा इसमें अंदर फिक्स होना चाहिए ऐसे, तो बिल्कुल ऐसे चेक करना ही फिक्स है, फिक्स अभी, और ये हमने ऐसे रोटेट कर 9.3, ठीक है। अब हमने इसको दोबारा लिया 9.3, अब ये हमारे लिए बेस्ट है, ठीक है।